एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो अगर सब कुछ है, कैरेक्टर नहीं है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन कैरेक्टर की डिफिनीशन क्या है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ कैरेक्टर? यू ट्रेडिशनल कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, जो सोशल वो तो होना ही चाहिए, दैट इज द मिनिमम। लेकिन आज की डेट में कैरेक्टर का डिफिनीशन क्या है कि आपका बिहेवियर पर्यावरण के प्रति कैसा है, आपका सेफ्टी के प्रति कैसा है, हेल्थ के प्रति कैसा है। ये जो इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये जो तीन पिलर्स हैं EHS पर्यावरण, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, स्किल हो, लेकिन अगर पर्यावरण संरक्षण के प्रति आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई द इंटरव्यू। इसी एंगल से, इसी पैमाने, इसी स्केल से जब आप जॉब के लिए जाते हैं आपको आंका जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जितने भी यहां पर बैठे हैं, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, कल को आप जब अपने कर्म भूमि के उस इम्तिहान में जाएं, अगर पास करना है आपको ये अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली असीजा साहब मेरे साथ बैठे हुए थे यहां पर, उन्होंने डिस्कस किया और कंकारिया का एक एग्जाम्पल दिया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की जान करके, जैसे डॉक्टर साहब ने दिया कि यहाँ पे डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, कैंसर कैंसर का पर्याय बन चुका है ये धरती, लेकिन यहाँ पे डेटा भी अवेलेबल है, विलिंगनेस भी अवेलेबल है, लेकिन हमें डेवलप क्या करना है, अपने आप में पैशन डेवलप करना है और पर्यावरण के लिए सस्टेनेबल वर्ल्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति अगर हम लोग समर्पित हो तो रियल सेंस में पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे। मैं एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल देता हूं आपको कि कैसे समझना पर्यावरण को कैसे हम संरक्षित कर पाते हैं। आप सिंपल अपने आप माइंड में ये विजुअलाइज करिए, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं 20 लाख 30 लाख लोन लेते हैं, तो क्या आप उस पैसे को अगर किसी चीज को खरीदने के लिए लोन लेंगे उसको पानी की तरीके से बहाते हैं क्या? नो, आपको पता है मंथली हमको ये हफ्ता चुकाना है, EMI भरना है, बहुत समझ बूझ करके उसको खर्च करते हैं। लेकिन अगर पुश्तैनी जायदाद आपको अरबों खरबों की संपत्ति मिली हो तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, लगता है अरे यार ये तो हमें खर्च करने के लिए तो ऊपर वाले दिया है, हमारे दिया है तो हम इसको क्यों ना खर्च करें, पानी की तरीके से आप पैसा बहाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, और आज यहां जो बैठे हुए जितने भी हैं, सबको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने पर्यावरण के प्रति जो है एक समझ को आप ठीक करें। दरअसल ये जो आज हमें हवा, पानी, वातावरण हम अपने आसपास जो देख रहे हैं, ये हमें पुश्तैनी जायदाद के रूप में नहीं मिला है जिसको हम जैसे चाहे खर्च कर दें। ये हमने अपने आगे वाली पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है उससे हमने उधार लिया है, लोन लिया है, और उनको हमको सही सलामत कंडीशन में ये पर्यावरण, हवा, पानी इस कंडीशन में लौटाना है जिसमें वो जिंदा रह सके, 100 साल तक जी सके। तो आप इस मेंटलिटी को लेकर के अगर आप करेंगे तो आपका कदम संभल संभल करके इसको खर्च करेंगे। और आज मैं जैसा उन्होंने एग्जांपल दिया पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड्स का, हम लोग शॉर्ट टर्म गेन देख करके पूरी तरीके से इसको नाश करते हैं। आप अगर ये माइंड में रखते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है पर्यावरण के प्रति सही ढंग से बचाव कर पाएंगे। ये मेरा भी एक मैसेज था। और पर्टिकुलरली आज जो हमारे जो मुख्य अतिथि चंद्रकांता, जिनका मैंने रजत जी का जो नाम लिया, मैं एक ही यहाँ पर इनके लिए दो लाइन सिर्फ यही रखना चाहता हूं, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। ये वर्ड इन सब महानुभावों के लिए तो है ही है और ये कर भी रहे हैं, आप सब के लिए भी है। आप आगे चल पड़िए, आपके पीछे जमाना आएगा और पर्यावरण संरक्षण होगा ही होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।